दिल की उमंगे हैं जवा, बहुत अच्छी रंग में डूबा है समा, वाह वाह वाह। दोस्तों क्या आप शेर खान को जानते हैं? शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। गंभीर आवाज में बरखुदार कहने के अंदाज को कौन नहीं पहचानेगा, वह अभिनेता है। पुलिस वाले से शादी करेगी? अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। था उतनी शक्ति की सौगंध खाई है। जो प्राण अपने बेमिसाल अभिनय से हर किरदार में जान डाल देते थे, फिर चाहे वह उपकार में अपाहिज का किरदार हो या जंजीर में अकड़ पठान का, प्राण ऐसे एक्टर थे जिनका चेहरा हर किरदार को निभाते हुए यह एहसास छोड़ जाता था कि उनके बिना इस किरदार की पहचान ही नहीं है। सूरत हो तो ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की तरह जी, और कमर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अरे पगले, बिल्कुल हेलेन की तरह। हेलेन की तरह? और चाल, आहा, वैजयंती माला की तरह। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों प्राण का पूरा नाम था प्राण कृष्ण सिकंद और उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में एक संपन्न परिवार में हुआ था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। मेरा बाप तो अपने बाप का जलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ थे टपक पले? मैं तुम्हारे बाप का कजन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा। बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि अपने अभिनय से दर्शकों को घायल करने वाले प्राण अभिनेता नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, जिसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू भी ज्वाइन किया था। प्राण का वैसे फिल्मों में आना यूं ही नहीं था। हुआ यूं कि एक बार लेखक मोहम्मद बली ने प्राण को एक पान की दुकान पर खड़े देखा था। उस समय वह पंजाबी फिल्म यमला जट को बनाने की योजना कर रहे थे। पहली ही नजर में बली ने यह तय कर लिया कि प्राण उनकी फिल्मों में काम करेंगे। उन्होंने प्राण को फिल्म में काम करने के लिए राजी किया। फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खा कर मजा आता है। 1940 में रिलीज हुई और काफी हिट रही। इसके बाद प्राण ने और पंजाबी फिल्मों में काम किया और लाहौर फिल्म जगत में एक सफल खलनायक के रूप में नाम कमाया। फिल्म निर्माता ने अपनी हिंदी फिल्म खानदान में प्राण को काम करने का मौका दिया। देश के बंटवारे के बाद प्राण ने लाहौर छोड़ दिया। कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। लाहौर में प्राण ने काफी नाम कमाया, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पांव जमाने के लिए एक नए कलाकार की तरह संघर्ष करना पड़ा। परंतु लेखक शहादत हसन और एक्टर श्याम की सहायता से बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला। इसके बाद मधुमति देवदास, दिल दिया दिल लिया, राम श्याम, आदमी मुनि जी, अमरदीप जॉनी, मेरा नाम वारदात, देश प्रदेश जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। ये शादी नहीं होगी सरदार। उनको हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2013 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के सम्मान भी प्रदान किया गया। कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने क्या खोया क्या। 1969 से 1982 के बीच सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे प्राण, यहाँ तक कि उनकी फीस सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज्यादा हुआ करती थी। डॉन फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 2.5 लाख रुपए फीस में मिली, वहीं प्राण को 5 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। प्राण स्मोकिंग पाइप और वॉकिंग स्टिक इकट्ठा करने का शौक रखते थे। प्राण ने पहली शूटिंग के दौरान अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया था कि वह फिल्म में काम कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनके पिताजी गुस्सा हो जाएंगे,
यहाँ तक कि जब उनका पहला इंटरव्यू अखबार में छपा तो प्राण ने अपनी बहनों से बहुत बार छुपा देने को कहा। जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ। लेकिन बाद में जब उनके पिताजी को पता चला तो वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। फिल्म जंजीर में प्राण पर फिल्माया गीत यारी है, ईमान मेरा उनकी खास अदाकारी है, आज भी एक सदाबहार गाना है। जयप्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर के सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के काटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। अमिताभ बच्चन का नाम प्राण ने ही सुझाया था, जिसमें अमिताभ बच्चन के करियर को नई दिशा दी। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं प्राण साहब के साहिबजादे से। प्राण के दो बेटे और एक बेटी है, उन्हीं में से एक है सुनील सिकंद। सुनील काफी मशहूर एंड फिल्म मेकर है। सुनील को पिता से एक्टिंग विरासत में मिली थी, वह चाहते तो एक्टिंग में करियर बना सकते थे। पिता के रसूख के बल पर उन्हें अच्छी खासी फिल्में भी मिल जाती, लेकिन शायद वह अपने दम पर भी कुछ करना चाहते थे। उनके बेटे सुनील ने एक्टिंग को छोड़ दिया और किसी और फील्ड में उनका नाम रोशन करने की सोची। उन्होंने बिना किसी सोर्स के अपने दम पर इंडस्ट्री में कदम रखा और इसमें उन्होंने जबरदस्त कामयाबी मिली। आज वो इंडिया के टॉप एंड फिल्म मेकर्स में से एक हैं। तो आपको बॉलीवुड ठाकुर एक्टर प्राण की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी डिलीवरी कैसी लगती है? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।